आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया कि एन एक्सपेरिमेंटर स्टैंड्स ऑन अ स्टूल कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एंड होल्ड्स अ रोटेटिंग व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अबाउट इट्स एक्सिस एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 विद इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द स्टूल। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टूल एंड द एक्सपेरिमेंटर अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इज I2। यानी कि अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास इनिशियली एक स्टूल है जिसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें I2 दिया गया है, और एक हमारे जो एक्सपेरिमेंटर है उसने हमारी एक डिस्क को पकड़ रखा है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। और अब हमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ़ द एक्सपेरिमेंटर रोटेट्स द व्हील थ्रू 180 डिग्री। यानी कि इनिशियल पोजिशन अगर ये है, यहाँ पर ये रेस्ट पर है टेबल, और ओमेगा 1 जो है इसको 180 डिग्री कर देते हैं, यानी कि जो इसका डायरेक्शन हो जाएगी रोटेशन की वो ये हो जाएगी। तो इससे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं अगर हम फर्स्ट पार्ट में, तो हमारे पास होगा कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंट्रल एक्सिस था हमारे पास I1 ओमेगा 1, और फाइनल अगर हम देखते हैं तो जो डिस्क है वो हमारी नेगेटिव एंगुलर मोमेंटम के साथ हो गई है I1 ओमेगा 1, क्योंकि इसका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया राइट हैंड रूल से, और जो स्टेबल और एक्सपेरिमेंटर है वो ओमेगा 2 से अगर हम मानते हैं जो वो रोटेट करने लगे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा I2 ओमेगा 2। तो इससे हमारे पास ओमेगा 2 की वैल्यू होगी I2 ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I1 ओमेगा 1, और ओमेगा 2 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय I2। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ है वो है डेल्टा K इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। K फाइनल है हमारे पास 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय I2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और इनिशियली हमारा जो डिस्क थी वो भी ओमेगा 1 से रोटेट कर रही थी, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी थी 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। तो इससे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया है डेल्टा K वो हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल होंगे और ये होगा 2 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2। अब हमें यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिया गया है कि व्हेन रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, यानी कि हमने डिस्क को 90 डिग्री से रोटेट किया, तो जो फाइनल कंडीशन होगी वो ये हो जाएगी कि डिस्क हमारी शेप में होगी और ये इस डायरेक्शन में इसका एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि होगा I1 ओमेगा 1। अब अगर हम इस डायरेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो हमारे पास होगा कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था हमारे पास I1 ओमेगा 1, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर ये दोनों जो है डिस्क और स्टेबल ये I2 ओमेगा 2 से अगर रोटेट करते हैं फाइनली इस एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का अगर हम देखें तो वो यहाँ पर इन दोनों एक्सिस के लिए I1/2 होगा, और इसके लिए भी I1/2 होगा, तभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से यहाँ पर I1 आता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा I1/2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2 प्लस जो टेबल है हमारी वो भी ओमेगा 2 से रोटेट करेगी, यानी कि I2 ओमेगा 2। तो इससे हमारे पास जो ओमेगा 2 की वैल्यू होगी वो होगी 2 टाइम्स ऑफ I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा उसको हम लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए डेल्टा K इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हमारी डिस्क की, एक तो हो जाएगी 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस एक जो ये डिस्क है ये हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगी ओमेगा 2 से, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय I1/2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डेल्टा K की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 टाइम्स ऑफ या फिर I1/4 ओमेगा 2 स्क्वायर I1/4 प्लस I2/2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2 स्क्वायर, और ओमेगा 2 है हमारे पास 2 I1 ओमेगा 1 2 टाइम्स ऑफ I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ये होगा I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2, यानी कि I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 होल
स्क्वायर, तो इससे हमारे पास तो डेल्टा के की वैल्यू होगी, वो होगी डेल्टा के इक्वल्स टू, इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं कि ये होगा टू टाइम्स ऑफ आई टू, आई वन प्लस टू टाइम्स ऑफ आई टू डिवाइडेड बाय फोर होल मल्टीप्लाइड बाय फोर टाइम्स ऑफ आई वन स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई वन प्लस टू टाइम्स ऑफ आई टू होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और डेल्टा के की फाइनल वैल्यू होगी डेल्टा के इक्वल्स टू, फोर से हम फोर को कैंसिल कर सकते हैं, आई वन स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई वन प्लस टू टाइम्स ऑफ आई टू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।